नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों को फॉलिक एसिड के बारे में बताऊंगी। फॉलिक एसिड मतलब विटामिन B9, वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदा है, कहाँ क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, किन किन लोगों को उसको खाना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए फॉलिक एसिड का सेवन, किन किन चीज़ों में फॉलिक एसिड पाया जाता है, इन सारी बातों में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे डिटेल में। फॉलिक एसिड का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फॉलिक एसिड को हम लोग विटामिन B9 भी बोलते हैं और फॉलेट भी बोलते हैं। विटामिन B9 और साथ में इसको वाटर सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन वो होता है जो आपके शरीर में प्रेजेंट नहीं होता है, वो घुलनशील होता है, आपके बॉडी में घुलनशील रहता है, वो बाहर निकल जाता है। अब हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स। बेनिफिट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला बेनिफिट है फॉलिक एसिड का, प्रिवेंट हेयर फॉल। फॉलिक एसिड जो होता है हेयर फॉल के भी प्रिवेंट करता है। हेयर फॉल को कैसे प्रिवेंट करेगा, ये बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी मात्रा को, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उन सबकी मात्राओं को वो इंक्रीज करता है। जितनी ज़्यादा मात्रा में आपकी लाल रक्त कोशिकाएं इंक्रीज होगी उतनी अच्छे से आपके हेयर फॉलिकल्स रहेंगे, आपके बाल के जड़ मजबूत होंगे, क्योंकि खून का संचार पूरे बॉडी में अच्छे से होता है। दूसरा है, आपके बच्चे का IUGR से बचाता है, जो फीटल होता है, फीटस होता है, जो बच्चा माताओं के गर्भ में जो प्रेजेंट होता है, प्रेग्नेंट लेडी के गर्भ में जो बच्चा प्रेजेंट होता है उसको फीटस बोलते हैं। तो उसका ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ होना मतलब सही एज में जितनी मात्रा में वजन बढ़ना चाहिए माता के बच्चों का, उनका उतनी मात्रा में वजन बढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पेट के अंदर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉलिक एसिड। डॉक्टर हमेशा प्रेग्नेंट लेडी को सलाह देता है कि आप 3rd महीने से फॉलिक एसिड खाना शुरू करिए, ताकि आपके बच्चे का वेट इंक्रीज हो, बच्चे को RBC प्रोडक्शन मिलता है फॉलिक एसिड से। तो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, माताओं के गर्भ में ग्रोथ कम ना हो, इंक्रीज हो बच्चे का ग्रोथ, इसीलिए हम लोग फॉलिक एसिड प्रेग्नेंट लेडीज को देते हैं। तो ये IUGR को प्रिवेंट करता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बच्चे का। इनफर्टिलिटी इन मैन, इनफर्टिलिटी मतलब होता है बांझपन, जो पुरुषों में जो बांझपन होती है उसको भी रिड्यूस करता है, क्योंकि फॉलिक एसिड में जिंक कंपोनेंट पाया जाता है। जिंक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए, बांझपन को ट्रीट करने के लिए। तो जो पुरुषों में बांझपन की शिकायत होती है उनको भी फॉलिक एसिड का कंजम्पशन करना चाहिए, खाना चाहिए। स्ट्रेस रिडक्शन, आपकी चिंताएं, जिन लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनका स्ट्रेस को रिड्यूस करता है फॉलिक एसिड। टिश्यू ग्रोथ, आपके बॉडी में जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं, टिश्यू को रिपेयर करना, ग्रोथ करना, कहीं आपको चोट लग गई हो, या तो आपके कोई बीमारी की वजह से, या तो कोई स्किन की कंडीशन की बीमारी की वजह से आपके आसपास के बॉडी के टिश्यू डैमेज हो गए हैं, उस डैमेज टिश्यू को ठीक करने का काम करता है फॉलिक एसिड। उसके बाद है हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, इन सब से रिड्यूस करता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड में ज़्यादा मात्रा में RBC प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी होता है, रेड ब्लड सेल बनाने की कैपेसिटी होती है फॉलिक एसिड में। तो फॉलिक एसिड ज़्यादा मात्रा में रेड ब्लड सेल्स बनाएगा और हार्ट में होने वाली जितनी भी डिजीज है उन सबको रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट है RBC प्रोडक्शन करता है बहुत ज्यादा मात्रा में। सबसे मेन वर्क इसका रहता है रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट है प्रिवेंशन फ्रॉम मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया क्या होता है कि फॉलिक एसिड की कमी के वजह से बॉडी में प्रॉपर तरीके से फॉलिक एसिड नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, तो उसकी कमी के वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में आपका जो रेड ब्लड सेल है RBC है, RBC का जो नॉर्मल शेप एंड साइज रहता है वो इसमें इंक्रीज हो जाएगा, अब नॉर्मल तरीके से बढ़ जाएगा बॉडी में RBC का स्ट्रक्चर। RBC के स्ट्रक्चर को रिड्यूस करने में और उसको नॉर्मल साइज में लाने का काम करता है फॉलिक एसिड। तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से भी ट्रीट करता है। उसके बाद है प्रिवेंट फ्रॉम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जब माताओं के पेट में शिशु होता है तो उस समय जब पहले 3 महीने होते हैं, 1st, 2nd एंड 3rd, जो पहले शुरुआती के जो 3 महीने होते हैं उसमें आयरन का कंजम्पशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आयरन खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उस समय जो बच्चे होते हैं उनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नाम की एक बीमारी होती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में मतलब बच्चे के जो पीठ में जो स्पाइनल कॉर्ड है
स्पाइनल कॉर्ड जो होता है बच्चों के पीठ में, स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ ओपनिंग रह जाती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड पूरे तरीके से फ्यूज नहीं हो पाता, जिसके वजह से 3 तरीके से बीमारी होने स्टार्ट हो जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, जिसमें स्पाइनोमैंगोसील, स्पाइनोमेनिंजोसील, स्पाइनोमेनिंजोमायोसील, इस तरीके की कुछ बीमारी होती है जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में जो बच्चों के जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में ओपनिंग रह जाती है, जिसकी वजह से उसकी क्लोजिंग नहीं हो पाती, तब बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए स्टार्टिंग से ही आयरन का कंजम्पशन, फॉलिक एसिड का कंजम्पशन कराना स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर फॉलो करने बोल देते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को कि फॉलिक एसिड आप फर्स्ट मंथ से खाना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है अनीमिया प्रिवेंशन। अनीमिया मतलब होता है शरीर में आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाना, शरीर में आरबीसी का बनना खत्म हो जाता है या तो बहुत कम हो जाता है, प्रॉपर तरीके से आरबीसी रेड ब्लड सेल नहीं बन पाते, रेड ब्लड सेल नहीं बनने की वजह से एनीमिया का शिकायत होता है। तो एनीमिया को रिड्यूस करने का काम करता है फॉलिक एसिड, अच्छे मात्रा में खाएंगे तो एनीमिया भी ठीक होगा। उसके बाद पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज आजकल की जो लड़कियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, ये बहुत जल्दी उनको हो जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी जो ओवरीज होती है, अंडाशय होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सिस्ट बनना शुरू हो जाता है। सिस्ट बनने की वजह से उसको सही तरीके से महीना नहीं होता, पीरियड्स नहीं होते, उनके चेहरे में बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के सिम्टम दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, मेंटल इरिटेबिलिटीज होते हैं, उनको बहुत सारे दिक्कत दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पीसीओडी को भी ट्रीट करने का एक समाधान है फॉलिक एसिड। किडनी डिसऑर्डर, किडनी में होने वाले जो भी डिसऑर्डर्स है उससे भी रिड्यूस करता है फॉलिक एसिड। किडनी डिसऑर्डर में क्या होता है, किडनी डिसऑर्डर में एक होमोसिस्टीन नाम के एंजाइम इंक्रीज रहते हैं किडनी के डिसऑर्डर्स में। होमोसिस्टीन नाम के एंजाइम के इंक्रीज होने की वजह से किडनी का डिसऑर्डर होता है। तो फॉलिक एसिड जब खाते हैं तो फॉलिक एसिड क्या करता है, होमोसिस्टीन नाम के एंजाइम का इंक्रीज जो हुआ है उसको डिक्रीज करता है, उसके बाद किडनी में जो भी डिसऑर्डर है वो जल्दी जल्दी हील हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्किन बेनिफिट। स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पिंपल्स, बहुत ज़्यादा एक्ने होता है उन सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पिंपल से फ्री होने के लिए हेल्प करता है, पिंपल्स के साइज से को रिड्यूस करने का काम करता है फॉलिक एसिड। अब हम लोग देखेंगे शरीर में फॉलिक एसिड की कमी किस वजह से होती है, किस किस कारण की वजह से शरीर में फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। तो पहला है इंक्रीज अल्कोहल कंजम्पशन। अगर कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पी रहा है या शराब पी रहा है तो वो शरीर में इसकी कमी हो जाती, फॉलिक एसिड की कमी। दूसरा है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डाइट। अगर आप खाना बना रहे हो तो उसमें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं है, मतलब पौष्टिक आहार नहीं है, पौष्टिक तत्व नहीं है जो फॉलिक एसिड कंटेन करता हो, तो उस वजह से भी फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है शरीर में। उसके बाद है अगर आप खाना को बहुत ज़्यादा मात्रा में पका रहे हो, वेजिटेबल जो भी सब्जियाँ हैं उसको ज़्यादा मात्रा में अगर आप वेजिटेबल्स और सब्जियों को पका रहे हो तो उस कंडीशन में भी फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है उस सब्जियों में। मेडिसिन साइड इफेक्ट, मेडिसिन कुछ ऐसे भी मेडिसिन है जिसके साइड इफेक्ट की वजह से भी फॉलिक एसिड की कमी होती है आपके शरीर में। उसके बाद है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया आपके जो आरबीसी का प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, आपके बॉडी में आरबीसी प्रोड्यूस नहीं होता अच्छे तरीके से, तो इसलिए भी होता है। तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से हमारे शरीर में फॉलिक एसिड नहीं मिल पाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लक्षण कि फॉलिक एसिड की कमी से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखते हैं, क्या क्या बीमारी टाइप का दिखता है। तो सबसे पहला वेट लॉस, प्रॉपर तरीके से वेट इंक्रीज नहीं होगा, जो पर्सन होगा उसका वेट लॉस होते जाएगा, बहुत पतला दुबला होते जाएगा, हेयर वाइट होने लग जाएंगे, आपके बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे, प्रॉपर तरीके से ब्लैक नहीं रहेगा, डायरिया बहुत ज़्यादा लूज मोशन डायरिया होगा पेशेंट को फॉलिक एसिड की कमी से, वीकनेस, पर्सन अपने आप को बहुत वीक का महसूस करेगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो कहीं भी ध्यान नहीं लगा पाएगा, किसी चीज़ पे फोकस नहीं हो पाएगा पेशेंट का, हेडेक होगा पेशेंट को बहुत ज़्यादा, या तो पेशेंट को कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट, बाई बर्थ डिफेक्ट, मतलब अगर माताएं अगर प्रॉपर तरीके से फॉलिक एसिड नहीं खाती हैं गर्भवती के समय में तो उसके बच्चों को बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, पैदासी कुछ ना कुछ बर्थ डिफेक्ट, जैसे कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट वगैरह हो गया जिसमें ऊपर के होंठ कटे हुए रहते हैं, या तो हाथ पाँव में 4-5 उंगलियाँ या फिर एक्स्ट्रा उंगलियाँ, या तो हाथ पाँव की उंगलियाँ कम, या तो कोई ऐसा बर्थ डिफेक्ट इंटरनल ऑर्गन बच्चे का, ये सारे कंडीशन होते हैं फॉलिक एसिड की कमी से।
माल फॉर्मेशन मतलब एक्स्ट्रा हाथ हो गए या पांव हो गए, अलग तरीके के सिम्टम दिखने लग जाते हैं। माल फॉर्म्ड एनीमिया होगा, ब्लड की कमी होगी शरीर में, फॉलिक एसिड की कमी से पर्सन प्रॉपर तरीके से उसके बॉडी में ब्लड नहीं बन पाएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रॉब्लम, जो प्रेग्नेंट लेडी रहेंगी, जो पहले 3 महीना होते हैं, पहला दूसरा और तीसरा, तो पहले तीनों ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी प्रेग्नेंट लेडी को। इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे का जो माताएं होती है गर्भवती माताएं, उनके पेट में जो बच्चा होता है उनको प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं होता है, जितना ग्रोथ होना चाहिए उससे भी कम हो जाता है। उसके बाद है माउथ अल्सर, जो फॉलिक एसिड की कमी से आपके ओरल कैविटी में छाले हो सकते हैं, माउथ अल्सर हो सकता है। प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है फॉलिक एसिड की वजह से, प्लेटलेट जो होती है थक्का बनने की जो कैपेसिटी वो, और अनहेल्दी बेबी, जो बेबी होगा वो अनहेल्दी पैदा होगा, प्रॉपर तरीके से हेल्दी और प्रॉपर वेट वाला बच्चा पैदा नहीं होगा। अब हम लोग कुछ साइड इफेक्ट भी देखेंगे, साइड इफेक्ट मतलब जो नुकसान होते हैं फॉलिक एसिड के। तो सबसे पहले एब्डोमिनल प्रॉब्लम, अगर आप ज़्यादा मात्रा में फॉलिक एसिड खा लेते हैं तो जितना डॉक्टर ने बोला है या जितना आपको ज़रूरत है उससे अधिक मात्रा में हो जाती है, तो आपके एब्डोमिनल में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, पेट की कुछ समस्याएं होना स्टार्ट हो जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंस, आपको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आएंगी। दूसरा है स्लीप डिस्टर्बेंस में आप प्रॉपर सो नहीं पाओगे, जितनी मात्रा में सोना चाहिए वो नींद आपकी कंप्लीट पूरी नहीं हो पाएगी। उसके बाद है स्किन प्रॉब्लम्स, आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स होगी, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फॉलिक एसिड खाने की वजह से स्किन में दाने होना, रैशेश होना, पिंपल होना या छोटे छोटे फफूले पड़ना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एलर्जी हो सकता है आपको इससे, और लंग्स और प्रोस्टेट के कैंसर भी हो सकते हैं अधिक मात्रा में खाने की वजह से। उसके बाद है हार्ट की प्रॉब्लम्स, आपके हृदय रोग भी होना स्टार्ट हो सकता है ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करोगे तो। अब हम लोग देखेंगे किन किन चीजों में फॉलिक एसिड पाया जाता है। सबसे ज्यादा तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितने भी ग्रीन हरे पत्तेदार वाली सब्जियां होती है, ब्रोकली हो गया, पालक हो गया, धनिया हो गया, जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां, सब में फॉलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। सी फूड, समुद्री भोजन, समुद्री भोजन में मेनली आपके जो फिश होते हैं, प्रॉन हो गए या फिर लॉबस्टर हो गए, इन सब में फॉलिक एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आलमंड, बादाम में सबसे ज़्यादा फॉलिक एसिड पाया जाता है। एवोकाडो नाम का जो फ्रूट्स आता है, उस फ्रूट में सबसे ज़्यादा फॉलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, टोमेटो हो गया, सिट्रस हो गया, इन सब चीज़ों में फॉलिक एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ड्रम स्टिक, जो मुनगा बोलते हैं, मुनगे की पत्तियों में, मुनगे कि फल में, सब में सबसे ज्यादा फॉलिक एसिड पाया जाता है। हम लोगों को डेली 400 mcg एटलीस्ट फॉलिक एसिड हमारे शरीर में कंज्यूम होना चाहिए, खाना चाहिए, तभी हमारा बॉडी में फॉलिक एसिड का लेवल नॉर्मल मेंटेन रहेगा। प्रेग्नेंट लेडीज को जो डॉक्टर होता है वो बोलते हैं कि आप अगर प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी, जैसे कि किसी को प्लान करना है कि हाँ मेरा पहला बेबी होने वाला है, मुझे प्रेगनेंसी प्लान करना है, तो प्लान जब किया उससे पहले ही आपको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। 1 महीना पहले ही आपको फॉलिक एसिड खाना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आने वाले बच्चे पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, न्यूरल टिप डिफेक्ट नाम की कोई बीमारी नहीं हो पाएगी उसको, और उसको ब्लड का फ्लो या फिर अदर कोई कंजेनिटल माल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपको डॉक्टर पहले से एडवाइस कर देगा, अगर आप कंज्यूम बेबी कंज्यूम करना चाहते हो तो पहले से ही आपको खाना पड़ेगा 1 महीने पहले से ही। और अगर मान लो 1 महीने पहले से नहीं भी खा रहे हो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हो जनरली, और कई लोगों को फॉलिक एसिड या आयरन से वोमिटिंग होने लग जाते हैं, तो फिर उन लोग 3 महीने के बाद खाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से फॉलिक एसिड का खाना सेवन करना सही रहेगा, सही तरीके से खाने से सही लाभ मिलेंगे। आई होप आज की टॉपिक आप लोगों को समझ में आई होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।